हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये सुंदर सा ग्लोइंग फ्रेश एवरीडे मेकअप लुक दैट आई लाइक टू डू फॉर समर्स या फिर कोई भी ह्यूमिड वेदर में। काफी सारे यूनिक नए मेकअप टिप्स और स्किन केयर टिप्स आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस लुक इज दैट दिस इज लाइट वेट, लॉन्ग लास्टिंग एंड इट लुक्स नेचुरल ऑन द स्किन। एज यूजुअल आई एम गोना स्टार्ट विद स्किन केयर। जब भी मैंने मेकअप रूटीन के बारे में बात किया, मैंने हमेशा स्किन केयर को इंपॉर्टेंस दिया है। एक अच्छा स्किन केयर रूटीन आप करोगे अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड मेकअप टाइप, योर मेकअप इज गोना लुक गुड एंड सिट वेल on your skin। मैंने मेकअप टाइप इसलिए बोला बिकॉज टूडेज मेकअप टाइप इज माई एवरीडे समर ग्लोइंग मेकअप लुक, और एक ग्लोइंग मेकअप लुक के लिए आई नीड ग्लोइंग हाइड्रेटिंग बेस। बहुत ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने के बाद आई फाइनली अंडरस्टूड कि कौन सा स्किन केयर प्रोडक्ट मेरे मेकअप लुक में अच्छे से जा रहा है। एंड ट्रस्ट मी, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्किन केयर नहीं है ये। दिस स्किन केयर कैन बी डन बाई एवरी वन, यू नो, नो मैटर वॉट स्किन टाइप यू हैव और स्किन कंसर्न यू हैव। सो आई एम गोना स्टार्ट ऑफ बाई वॉशिंग माई फेस। फॉर दैट आई बी यूजिंग लैक्मे ब्लश एंड ग्लो हाइड्रेटिंग फेस वॉश विद विटामिन सी सीरम। दिस इज इन their strawberry variant। I freaking love this face wash। This is my go-to everyday face wash now। ये skin को इतने अच्छे से cleanse कर देता है without stripping off excess oil from the skin and it keeps the skin hydrated। So face को गीला करके आती हूँ। I'll be right back। I am back। So I'm going to squeeze out some amount of this face wash this much। So it has a gel-like consistency। Can you see? I'm going to massage it to lather it a bit and then I'm going to massage it all over my face। So आप लोगों को पता ही है, I'm a huge fan of vitamin C serum because of its brightening properties and this face wash has that। It comes in three different fruit variant। I'm using the strawberry one। इसका टेक्सचर भी काफी अच्छा है, काफी अच्छे से लैदर हो जाता है। इट हैज अ सूदिंग जेल टेक्सचर जैसे कि मैं आपको दिखाया था। ऑल्सो दिस फेस वॉश इज एनरिच्ड विद गुडनेस ऑफ रिच स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट। इट हैज फ्रूट एंटीऑक्सीडेंट जो कि अच्छे से स्किन को क्लेंस करने में मदद करते हैं बाय रिमूविंग डर्ट एंड इंप्यूरिटीज विदाउट स्ट्रिपिंग ऑफ एक्सेस ऑयल फ्रॉम द स्किन एंड इट कीप्स द स्किन हाइड्रेटेड। सो 2 मिनट तक फेस वॉश को यूज करने के बाद आई एम गोइंग टू रिंस माय फेस यूजिंग नॉर्मल वाटर एंड देन आई एम गोइंग टू पैट ड्राई माय स्किन यूजिंग माय फेस टॉवल एंड आई इंस्टेंटली फील सो रिफ्रेश्ड एंड माय स्किन फील्स सो क्लेंस। सो दिस फेस वॉश हेल्प्स टू ब्राइटन आवर स्किन। दिन भर की डलनेस, थकान, जो टायर्डनेस दिखती है ना फेस पे, वो सब खत्म कर देता है फेस वॉश एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ विटामिन सी सीरम इट हैज व्हिच हैज ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज। सो एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी का सिंपल एवरीडे फेस वॉश है ये, और मैं हमेशा कहती हूँ आपकी स्किन के रूटीन में एक अच्छा सिंपल फेस वॉश होना चाहिए जो आप एवरीडे यूज कर सको। एंड आई लव द वेरिएंट स्ट्रॉबेरी, बट इसके 2 और वेरिएंट भी आते हैं, दैट इज लेमन एंड कीवी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दीस फेस वॉश, आई एम गोना प्रोवाइड लिंक फॉर देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग अ हाइड्रेटिंग टोनर। दिस इज अ स्कोलिंग टोनर एंड स्कोलिंग हेल्प्स टू कीप योर स्किन hydrated and supple without making your skin look oily or chip chip। I'm gonna spray some amount। ठीक है, मैं स्किन को अच्छे से डैम्प कर रही हूँ बेसिकली इस टोनर की मदद से, और मैं इसे पूरा एब्जॉर्ब होने नहीं दूंगी। मेरी स्किन अभी डैम्प है और डैम्प स्किन पे ही मैं अप्लाई करूंगी हाइलुरोनिक एसिड सीरम। नॉट अ ट्रिक हियर इज दैट यू हैव टू अप्लाई दिस ऑन डैम्प स्किन। तो मैंने अच्छा खासा अमाउंट लिया इसका एंड स्क्रैप इट लाइक दैट अच्छे से नेक पे भी। सो हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है, इट अट्रैक्ट्स एंड बाइंड्स टू वाटर मॉलिक्यूल एंड दैट्स हाउ इट इंक्रीजेस द वाटर इनटेक ऑफ योर स्किन, और आपकी स्किन को सपल और मॉइस्चराइज रखने में मदद करता है काफी लंबे समय तक के लिए। अगेन एवरी प्रोडक्ट दैट आई एम यूजिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द मेकअप दैट आई एम गोना डू टुडे। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी एक डोई सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन SPF 50 के साथ आता है, PA++++ है इसमें, तो UVA UVB ब्लू लाइट प्रोटेक्शन देगा मुझे ये। सो मैंने 3 फिंगर में ये सनस्क्रीन लिया है एंड आई एम जस्ट गोना अप्लाई दिस ऑन माय फेस एंड माय नेक। कभी और मुझे क्वेश्चन आते हैं कि 3 फिंगर क्यों, शालिनी 2 फिंगर होता है ना, बट क्योंकि मुझे नेक पे भी अप्लाई करना है इसलिए। एंड आई एम नॉट गोना यूज एनी मॉइस्चराइजर टुडे, दिस सनस्क्रीन इज गोना एक्ट एज अ मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन बोथ। एक और स्किन केयर टिप मैं आपको देती हूँ जो मैं सनस्क्रीन के साथ करती हूँ, मैं कभी कभी उसके ना पूरा ब्लेंड नहीं करती, आई जस्ट वेट फॉर लाइक 5 सेकंड और सो ताकि स्किन में थोड़ा सा सेटल होना शुरू हो जाए सनस्क्रीन एंड देन आई जस्ट डू दिस, और अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है सनस्क्रीन लाइक वे फास्टर देन जस्ट डूइंग दिस अच्छे से मलना ऑन माई फेस। इट्स अ ट्रिक, यू नो, स्किन केयर ट्रिक द ग्लो ऑन माई फेस। कितना सिंपल था स्किन केयर रूटीन। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज वेट फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स ताकि अच्छे से स्किन केयर जो है ना मेरे स्किन में सेटल हो जाए। काफी बार लोग गलती करते हैं कि स्किन केयर को टाइम नहीं देते एंड दे मूव ऑन विद मेकअप, फिर देयर मेकअप स्टार्ट्स लाइक पीलिंग ऑफ, क्योंकि आपने सेटल होने ही नहीं दिया है सनस्क्रीन को अपने फेस पे या स्किन केयर प्रोडक्ट को अपने फेस पे। सो वेट फॉर 10 मिनट्स, आई विल बी राइट बैक। आई एम बैक। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से स्किन के मेरे स्किन में सेटल हो चुके हैं। नाउ आई कैन बिगिन विद द मेकअप रूटीन। अब ये जो मैं अपना ग्लोइंग मेकअप रूटीन दिखाने वाली हूँ, इसमें 3 प्रोडक्ट इज गोना प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गिव मी दैट विद इन ग्लो। फर्स्ट इज अ लूमी क्रीम, सेकंड इज अ क्रीम और लिक्विड हाईलाइटर एंड थर्ड इज अ पाउडर हाईलाइटर। कैसे यूज करना मैं पसंद करती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी एंड टूडेज मेकअप लुक इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ऑल द मेकअप ट्रिक्स आर न्यू टूडे। सो सबसे पहले मैं लिप्स के आसपास कलर करेक्ट करूंगी यूजिंग माई ऑरेंज कलर करेक्टर। इवन फॉर माई एवरीडे मेकअप लुक्स आई लाइक टू कलर करेक्ट अराउंड माई लिप्स
because I have pigmentation and I don't want कि मेरा foundation बिल्कुल भी ashy लगे. So जरा सा color correct कर रही हूँ मैं. अगर आपको बहुत ज़्यादा pigmentation है under your eyes, so you can use orange collector there also. But उसको settle होने में थोड़ा सा time देना. जब तक ये settle हो रहा है तब तक मैं mix करूँगी मेरा Lumi cream with All Day Hydra Matte Foundation. ये foundation as it is काफ़ी अच्छा लगता है skin में. But जब मैं इन दोनों को mix कर दूँगी बहुत ही सुंदर सा Lumi skin tint मुझे मिलेगा. I will just take one finger में Lumi cream इतना. And in my next two fingers, I'm gonna take this foundation. उसके बाद I'm gonna mix this like that अच्छे से. I'm going to apply this as a moisturizer. थोड़ा सा forehead पे, यहाँ तक नहीं जाऊँगी क्योंकि this area is darker than this area. अच्छे से apply कर दिया and हाथों से ही उसको spread कर दिया, avoiding over my eyelid. Just spread it and it spreads beautifully. अंडर आई पे हल्का हल्का बस ऐसे डैब डैब करके लगा रही हूँ. मैं कंसीलर यूज़ करूँगी. नाउ लुक एट माय स्किन, Lumi ग्लोई स्किन टिंट मुझे मिला है. जो मेरे इम्परफेक्शंस थे, एक्ने मार्क्स, एक्ने स्कार्स, वो ब्लर हो चुके हैं. ठीक है, दे आर पीकिंग थ्रू माय स्किन एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट. एंड दिस बेस इज़ आल्सो वेरी वेरी लाइट वेट क्योंकि ये मॉइस्चराइजर जैसा ही मैंने लगाया है और ये मॉइस्चराइजर का काम भी करता है वो फाउंडेशन. Lumi क्रीम इज ऑल्सो मॉइस्चराइजर. दोनों को मिक्स कर दो तो इट्स लाइक यू आर अप्लाइंग मॉइस्चराइजर विद लिटिल बिट ऑफ ग्लो एंड टिंट. नेक्स्ट स्टेप, आई बी कॉन्टोरिंग माई फेस, माई चीक बोन्स यूजिंग अ डीपर शेड ऑफ कंसीलर. इट्स अ लिक्विड कॉन्टोर आप कह सकते हो फॉर माई स्किन टोन. सो मैं ज़्यादा नहीं करूँगी बट आई डू फील कि इट डज मेक अ डिफरेंस. तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने और यहाँ पे भी. आई ऑलरेडी हैव लाइक पिगमेंटेशन इन हियर दिस साइड ऑफ माय फेस, सो इट्स गोना लाइक बैलेंस इट आउट एंड जस्ट डैप 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 करके ऊपर की तरफ उसे मैं हल्का हल्का पुश कर रही हूँ फिंगर्स की मदद से लाइक दैट. अब ऐसे करने पे तो इतना समझ नहीं आ रहा होगा बट व्हेन आई लुक स्ट्रेट कैन यू सी शैडो दिख रहा है आपको एंड इट लुक्स नेचुरल आल्सो. मैं जॉलाइन को भी हल्का सा कॉन्टोर कर देती हूँ. समटाइम्स आई विल जस्ट स्किप इट डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच टाइम आई हैव. यूजिंग माई फिंगर्स टू ब्लेंड एवरीथिंग टू मेक एवरीथिंग लुक एज नेचुरल एज पॉसिबल. और फोरहेड को मुझे कॉन्टोर करने की जरूरत नहीं क्योंकि वहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगाया नहीं है तो क्यों एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हम यूज करें फालतू यहाँ पे. राइट, मूविंग ऑन टू लिक्विड ब्लश. तो सबसे पहले मैं शेड यूज करूंगी मैनिफेस्ट. दीज ब्लशेस आर बाय कफ्स एंड लैशेस. सो आई लाइक टू लू आई जस्ट टू स्माइल के और यहाँ पे ब्लश मैं अप्लाई नहीं करूंगी. स्माइल करने के बाद आई विल जस्ट अप्लाई द ब्लश इन हियर. ठीक है, दो लाइन ड्रॉ कर दी मैंने. नेक्स्ट आई एम यूजिंग द शेड काफ्तान एंड आई एम अप्लाइंग दिस राइट हियर. यूजिंग माय टू फिंगर आई विल स्टार्ट ब्लेंडिंग इट क्योंकि हमने फेस को सेट नहीं किया है तो ब्लश बहुत जल्दी और इजिली ब्लेंड हो जाएगा. ये ना सेटल काफी जल्दी हो जाता है. सो आई लाइक टू अप्लाई ब्लश ऑन वन साइड एंड देन ब्लेंड. सो यहाँ पे मैं ब्लश को लेके जाना पसंद करती हूँ राइट हियर. ब्लेंड द एजेस ताकि थोड़ा सा फेडेड दे लुक मुझे. एंड नाउ आई विल स्माइल एंड हल्का हल्का ब्लश अपनी चीक्स की तरफ लेके जाऊंगी. फोकसिंग द प्रोडक्ट मोस्टली इन हियर दिस एरिया टू गिव मी दैट लिफ्टेड चिजल्ड लुक. ठीक है, जहाँ पे हमने कॉन्टोर की थी ना दैट काइंड ऑफ एक्ट्स लाइक अ गाइडलाइन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ब्लश को कहाँ तक लेके जाना है. आई मीन इसके नीचे मुझे नहीं जाना है. ठीक है, लेट मी अप्लाई ब्लश ऑन दिस साइड ऑफ माई फेस. आई बी राइट बैक. आई एम बैक. दोनों साइड मैंने ब्लश अप्लाई कर दिया. जैसे कि मैंने आपको बताया था दिस ब्लश लुक्स सो गुड ऑन माई स्किन टोन. नोज से भी हल्का सा मैं ब्लश अप्लाई करूंगी. जस्ट अप्लाइंग वन डॉट देयर एंड दूसरे वाले का भी ब्लेंड 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 इन सर्कुलर मोशन. चिन पे अप्लाई कर देते जो भी बच गया प्रोडक्ट. नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग दिस क्रीम हाइलाइटर. दिस इज बाय रूबी कॉस्मेटिक्स. ये डस्की स्किन और डीपर स्किन के लिए काफी अच्छा हाइलाइटर है. मैं जस्ट शो यू एज इट इज कैसा ग्लो है इस हाइलाइटर का. जस्ट लुक एट दैट, इट्स सो प्रिटी. बेस्ट पार्ट आई लाइक अबाउट दिस हाइलाइटर इज दैट इट इज इजी टू ब्लेंड इन टू योर स्किन. सो आई एम गोना टेक सम इन माई टू फिंगर लाइक दैट एंड अप्लाई द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माई फेस दैट इज राइट हियर. ब्लश के ऊपर ही अप्लाई कर दिया है मैंने और सुंदर पिंकिश गोल्डन ह्यू मिलेगा हमको. तो आई एम अप्लाइंग दैट जहां जहां मैंने ब्लश अप्लाई किया था ना यहाँ से लेके यहाँ तक. देन आई एम गोना टेक लिटिल बिट ऑफ मोर. इस टाइम आई एम गोना ओनली फोकस ऑन हियर. यहाँ पे इंटेंसिटी मुझे ज्यादा दिखानी है क्योंकि तो ये जो हाईलाइटर है ना दिस इज ऑन द प्राइसियर साइड. सो आई एम गोना प्रोवाइड अफोर्डेबल ऑप्शन फॉर दिस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. यहाँ पे ज्यादा फोकस करना है प्रोडक्ट को. अप्लाइंग द सेम हाईलाइटर ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज राइट देयर. नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग कंसीलर क्योंकि हमने ऑलरेडी स्किन टिंट लगा लिया है. अंडर आई के आसपास भी लगाया था तो ज्यादा कंसीलर अब मैं यूज नहीं करूंगी. आई एम ओनली गोना मेक श्योर कि जो डार्क सर्कल्स है मेरे वो थोड़े यू नो हाइड हो जाए यहाँ पे और हल्का सा यहाँ पे. Again on this side, here and here. And now using my concealer brush, I will start blending it. मैंने जो कंसीलर का शेड पिक किया है वो मेरे स्किन टोन से बिल्कुल अच्छे से मैच करता है. आई एम नॉट गोना हाईलाइट माई फेस. आई डोंट वॉन्ट दैट क्योंकि हाईलाइट हम हाईलाइटर से कर रहे हैं आज. सो फोकसिंग द प्रोडक्ट इन हेयर हाईलाइटर के ऊपर हल्का सा ओवर जा रही हूँ मैं हल्का हल्का सा ताकि एजेस जो है वो ब्लेंड हो जाए और वो हार्श ना लगे यहाँ यहाँ पे ओवर
my highlighter. Now, a very cool makeup trick here is that I love to do is that use a setting spray to set my face. Uske baad use powder. What this setting spray is going to do is going to set my blush, my highlighter properly into my skin or within glow mujhe milta rahega. So I'm using a matte setting spray. Trust me, this makes a difference. So with some distance, and now I'm going to fan my face quickly. और अब मैं अपना ट्रांसलूसेंट पाउडर लूंगी और एक छोटा सा ब्रश लूंगी. पिक द प्रोडक्ट, डस्ट ऑफ द एक्सेस. जस्ट गोइंग ओवर माय कंसीलर ब्रश वन सेकेंड टू अवॉइड क्रीसिंग. सिर्फ कंसीलर को सेट कर रही हूँ मैं पहले, एंड देन नियर माय नोज एरिया, अराउंड माय लिप्स, बिलो द कॉन्टोर, एंड दिस एरिया, माय फोरहेड एंड आईलिड के ऊपर. नेचुरली आई हैव पिगमेंटेड आईज, तो आई बी यूजिंग दैट एज अ आई शैडो. दैट इज अनदर मेकअप ट्रिक दैट आई लव टू डू. अब मैं ऐसे स्ट्रेट देखूंगी तो आपको इतना डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, बट व्हेन आई विल जस्ट टिल्ट माय हेड एंड डू दिस, यू कैन सी दैट ग्लोइनेस. बट हम उसे भी सेट करेंगे, मेकिंग श्योर देयर इज नो एक्सेस पाउडर ऑन माय ब्रश, एंड जस्ट टैप टैप टैप. फेस भी सेट हो गया, ग्लोइनेस भी मेंटेन रहा. सो आई एम गोना डू दिस साइड ऑफ माय फेस ऑफ कैमरा. आई विल बी राइट बैक. I am back. Next up, I'll be filling my eyebrows. Just combing through my eyebrows and then I'm gonna fill up the sparse area. Makeup is all about adding, subtracting, whatever you like, prefer, aur kitna samay hai aapke paas. Aur yeh wala eyebrow pencil mujhe kafi zyada pasand aa raha hai aajkal. Affordable bhi hai. I like the color of this eyebrow pencil as well. Mere hair se kafi match karta hai ye. Ab eyebrow mascara ka use karte hue main set kar deti hu apne eyebrows ko. Going in upward stroke like that. Feathery dikhne chahiye mere eyebrows. And look at my eyebrows, kitne acche lag rahe hain. Moving on to powder highlight. This is gonna add oomph factor. वो जो eyes पे, nose पे glow दिखेगा ना, वो इसकी वजह से दिखेगा. So first I'm gonna set this cream highlighter that I've used on my face using this powder highlight. और मैं एक fan brush का use कर रही हूँ. I feel like this just makes the process so much faster and you have like lot of control. And now look at the magic, ठीक है? So यहाँ पे apply किया. यहाँ मैं apply नहीं करूँगी. यहाँ पे on the eyebrow arc area. Now when I move my head, can you see that glow? You can definitely skip this step, you guys. आपको इतना highlight लगाने की ज़रूरत नहीं है. But I do feel like कि it does make a difference to this. एक छोटा सा प्रिसाइज ब्रश में लूंगी. आई एम गोना स्प्रे सेटिंग स्प्रे. गोइंग टू पिक द हाइलाइटर इन दिस. मैंने कोई आई शेडो वगैरह अप्लाई नहीं किया है, बट आई एम गोइंग टू हाईलाइट द इनर कॉर्नर. व्हेन आई हाईलाइट जस्ट दिस एरिया ऑफ माय आईज लुक सो मच ब्राइटर, एंड दैट इज व्हाट आई वांट. फोकस इन हियर, ऐसे करके लेके गए, एंड देन ब्लेंडिंग द एजेस. Again, you can definitely skip this step. It's all about adding that oomph factor to your eye look and adding that glow to your eye look. जो भी product बच गया है, उसको मैं यहाँ पे set कर रही हूँ. Now, when I look straight, can you see that pop of highlight? And when I close my eyes, can you see that pop of highlight? And now I'm gonna curl my eyelashes using my eyelash curler. हालांकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, curl करने से ही बहुत ज़्यादा difference आ जाता है, but मैं आपको फिर से दिखाऊंगी अभी. Just look at the difference. And now I'll be using mascara. Honestly, मेरे mood के ऊपर depend करता है कि मुझे waterproof चाहिए, water resistant चाहिए mascara. Also weather के ऊपर भी depend करता है कि बारिश हो जाएगी तो I will apply waterproof mascara. I'm applying few coats of this mascara, making sure कि मैं इसको eyelid पे ना apply कर दूँ. और कभी कभी जब लग जाता है mascara, I mean इस eye पे आप लोग देख सकते हो mascara लग चुका है, तो मैं इसे सूखने दूंगी और जब वो सूख जाएगा तो आसानी से मैं उसे रिमूव कर सकती हूँ. Going to apply mascara on my lower lashes as well. I love wearing mascaras, you guys. And just look at my eyes. कुछ भी नहीं किया, हाईलाइट करके मस्कारा अप्लाई कर दिया. इट इज लुकिंग सो प्रिटी. जो मस्कारा सूख गया ना, उसे भी मैं रिमूव कर देती हूँ. आई एम यूजिंग अ स्पूली, जस्ट स्क्रेप इट आउट लाइक दैट. अब बारी आती है लिप्स की. यू गाइस नो दिस, आई लव टू मिक्स मैच माय लिपस्टिक. आई लाइक टू टेक मजेंटा कलर का लिपस्टिक. दिस इज अ लिक्विड लिपस्टिक. आई विल अप्लाई दिस ऑन दिस सेंटर राइट देयर. फर्स्ट माय लिप्स टुगेदर एंड देन स्प्रेड इट, स्प्रेड द एजेस, एंड देन आई गोना टेक अ ब्राउन लिप लाइनर एंड आउटलाइन माय लिप्स. यहाँ तो मैं नॉर्मल तरीके से अप्लाई कर रही हूँ. जब यहाँ क्यूपिड्स बो की बात आती है ना, तो आई विल जस्ट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन लाइक दैट. दिस इज गोना गिव मी अ फुलर इफेक्ट टू माय लिप्स. दिस साइड आल्सो, एंड देन लोअर लिप को फिर हल्का हल्का एज में फिल कर दूंगी इसका. यहाँ पे भी हल्का हल्का. Then I'm going to take this soft matte lipstick called Woody Rose and apply that on the edges again. Tap tap करके apply कर रही हूँ मैं to give me that natural look. Okay, we are done with the makeup, but मुझे अभी भी लग रहा है कि blush मेरे face पे हल्का सा कम लग रहा है. थोड़ा सा intensity में blush का दिखाना चाहती हूँ. उसके लिए मैं use करूँगी powder blush. This is called Mellow Wine. So I'm going to take that in my blush brush, tap off the excess. ये जो highlight किया था ना, उसके नीचे बस हल्का हल्का like that. यहाँ पे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो
थोड़ा 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 एंड ऑल्सो ऑन माई नोज. अब ब्लश एकदम सही लग रहा है, सो आई एम जस्ट गोना स्प्रे, क्योंकि मैंने पाउडर ब्रश अप्लाई किया था एंड आई डोंट वॉन्ट कि वो एकदम ही चला जाए मेरे फेस से तुरंत. यू नो पाउडर ब्रश जस्ट फेड्स अवे प्रीटी इजीली. दिस इज हाउ आई लाइक टू अचीव माई एवरीडे ग्लोइंग मेकअप रूटीन. आई लव दिस रूटीन ऑफ माइंड एंड दिस इज सो लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि हमने लेयर किया है प्रोडक्ट को ऑन माई फेस. सो अगर पाउडर फेड हो गया तो अंडर नीथ हमारा लिक्विड ब्लश क्रीम हाईलाइट दिखता रहेगा. ऑल्सो वेन आई जस्ट मूव माई हेड अप एंड डाउन यू कैन सी दी हाईलाइट एंड इट लुक्स सो प्रिटी, स्पेशली धूप में तो और भी ज्यादा सुंदर और खूबसूरत लगता है ये लुक. बहुत सारे मेकअप ट्रिक्स अप्लाई करने के बाद आई फाइनली अंडरस्टूड कि यू नो एकदम लॉन्ग लास्टिंग ग्लोइंग लुक समर के लिए कैसा किया जाए कि वो दिन भर टिका रहे फेस पे, और ये दिन भर टिका रहता है, बस टचअप करने की जरूरत पड़ती है स्पेशली ऑन द टी जोन एरिया बिकॉज आई हैव ऑयली टी जोन एरिया. ऑन दैट नोट दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे. काफी सारे नए मेकअप टिप्स ट्रिक्स और स्किन केयर टिप्स हम लोग को सीखने को मिले. मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में आपको आज का ये लुक कैसा लगा. लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को एंड आई एम गोना सी गाइस प्रीटी सून विद द ब्रांड न्यू कंटेंट ऑन माय चैनल. बाय एवरीवन, टेक केयर.